ये पूरे डॉग्स ब्रीडिंग पर्पस के लिए हैं। तो आप में से किसी को अगर ब्रीडिंग कराना रहेगा तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस हॉस्टल, बोर्डिंग, डॉग का रख रखाव वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे कंट्रोल करना है डॉग्स को। टाइगर सेट, टाइगर सेट, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डुओ व्लॉग्स। आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग आए हैं एक्स इंडियन आर्मी डॉग ट्रेनिंग स्कूल, जहां पे आपको एकदम रीजनेबल रेट में पप्पी और उनका ट्रेनिंग, उनका सप्लीमेंट, उनका एक्सेसरी सब चीज मिलेगा। तो आप जैसे कि देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते ही है। सर आपका नाम क्या? ऋषि कुमार सर। सर ऑलरेडी इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट में। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? पहले तो आप सभी को स्वागत है एक्स इंडियन आर्मी डॉग ट्रेनिंग स्कूल में। मेरा नाम ऋषि कुमार है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं पिछले 2 साल से मैंने भिलाई में स्टार्टअप लिया हूँ कि डॉग ट्रेनिंग प्लस हॉस्टल, बोर्डिंग, डॉग का रख रखाव वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे कंट्रोल करना है डॉग्स को, किस समय किस जगह किस तरीके से हैंडल करना है, वो सब चीज़ ओनर को सिखाया जाता है। 3 महीने का ट्रेनिंग होता है उसमें, उसके दौरान 15 डेज ओनर का ट्रेनिंग होता है। उस दौरान ओनर को हर एक बातें माने एज अ डॉग को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रखना है, कंट्रोल कैसे करना है कमांड के थ्रू, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। पपीज भी प्रोवाइड कराते हैं, ऑल टाइप्स पपीज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे साइबेरियन हस्की, लैब्राडोर, जर्मन शेपर्ड, रॉटवाइलर, बेल्जियम मेनलाइज वगैरह, सब ऑल पपीज आर अवेलेबल। ग्रूमिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। बने रहो वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपको डॉग्स, उनका ट्रेनिंग कैसे हुआ है, सब चीज़ आपको शो करेंगे। तो सर शुरू करें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सर के पास बहुत अच्छे क्वालिटी का रॉटवीलर है ना सर ये? हाँ रॉटवीलर। स्टे, स्टे, स्टे। देख रहे होंगे आप सर का कमांड कितना अच्छे तरीके से मान रही है। हमारे केनल के स्टड है यानी रॉटवीलर है। अच्छा, कुछ और कमांड देके बताएंगे सर इसको? हाँ, मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा आपको। स्टे, सिट, सिट, स्टे, स्टे, टाइगर डाउन, डाउन, टाइगर ले डाउन, ले डाउन, ले डाउन, स्टे, डाउन, टाइगर सिट, टाइगर सिट, स्टे, स्टे, डाउन, सेट, स्टे। डॉग को एक्चुअली वर्ड से आप कंट्रोल कैसे करना है उसको, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो जिस हिसाब से डॉग एक जगह सीट की पोजीशन में होना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, अननेसेसरी चीज़ों में माने ध्यान इंटरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग का पूरा बेसिक होता है एक्चुअली, कि कंप्लीट ओबिडेंस और बिहेवियर ये सब कंबाइंड ट्रेनिंग होता है। यानी 3 महीने का कोर्स में पूरा कंबाइंड माने बिहेवियर प्लस ओबिडेंस, फुल कंट्रोल डॉग्स रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे सर का कितना अच्छा कंट्रोल माना हुआ अभी तक बैठा ही हुआ है। ए, ए, डाउन, डाउन, स्टे, इस रॉटवीलर को देखे तो स्टड था। तो अभी सर पपीज के बारे में दिखाएंगे, तो चलो शुरू करते हैं। सर पपीज का ट्रेनिंग स्टार्ट होता है 3.5 मंथ से, जैसे ये अभी 4.5 मंथ्स का है, इसका भी 1 महीना हुआ है। 1 महीने का ओबिडेंस ट्रेनिंग डॉग्स को मैंने कैसे स्टार्टिंग में करते हैं। सेट, सेट, स्टे, डाउन, ले डाउन, डाउन, सेट, फ्लोट, 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 स्टे, डाउन, स्टैंड,
रिटर्न हेल्प स्टे सेट स्टे स्टे पप्पी यानी एक कंट्रोल में और एक एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट ड्रिल के साथ इसको मैंने अभी स्टे का मूवमेंट बताया हूँ। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आते हैं, अगर पप्पी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो इस मूवमेंट में रख सकते हो आप कहीं एक जगह स्टे करके, अननेसेसरी चीज़ों में उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। और आप जैसे 3 महीना ट्रेनिंग के लिए देते हैं तो कंपलसरी 15 डेज ट्रेनिंग अटेंड कीजिए ताकि आपको उससे अच्छे से अच्छा पैचअप कर सकें, डॉग के साथ आपका अच्छा से बॉन्डिंग कर सकें। और डॉग माने 3.5 मंथ्स में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए डॉग्स का, तो उस हिसाब से पपीज़ के हिसाब से इसका ट्रेनिंग 1 मंथ का ट्रेनिंग है, तो उस हिसाब से ट्रेंड है ये। सिट डाउन ले डाउन ले डाउन स्टे डाउन सिट स्लोट 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 स्टे डाउन स्टे। सर ये सब जो कमांड रहता है वो सब सिर्फ और सिर्फ अपने ओनर का ही मानेगा नहीं है? ओनर का क्या, ओनर को उस हिसाब से जैसे मैं जैसे जैसे वर्ड ऑफ कमांड्स, आवाज़ का थॉट्स, जैसे आवाज़ की स्पीड वगैरह जो जिस हिसाब से इससे बात करना है वो ट्रेनिंग आपको भी सीखनी पड़ेगी उस हिसाब से। वो जो 15 डेज का है उसमें आप यही सिखाओगे ना? दौरान वो ट्रेनिंग आपको दिया जाता है ना, लाउड होता है, एक मीडियम होता है, एक माने बिल्कुल छोटी सी आवाज़ होती है कि सिट नॉर्मल। अगर आप आपका डॉग को स्टार्टिंग में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो थोड़ा लाउडली बोलना है सेट सेट, तो ये सब चीज़ आप पकड़ोगे नहीं तो आप डॉग को कमांड नहीं दे सकते। आप अब जैसे रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर चल रहे हो आप, तो उस हिसाब से आप डॉग को कैसे कंट्रोल करना है ये सब चीज़ सीखना ज़रूरी है। आप ट्रेनिंग के लिए छोड़ रहे हो ये मतलब नहीं है कि माने कंप्लीट, अभी पपी है, ये पपी है तो इसको एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे घर में नॉर्मली अपन बच्चे को पढ़ाते हैं, घर में उसका अपन फीडबैक लेते हैं, ऐसे ही है डॉग्स के साथ भी। डॉग्स का भी कम से कम 10 से 15 मिनट घर में इसका ट्रेनिंग कराना चाहिए, उस हिसाब से आपका डॉग कंप्लीट ओबीडियंस रहेगा, कंप्लीट ट्रेन रहेगा। सर आप जो इनका फूड हो गया हाँ। वो ऐसे ही प्रोवाइड कराते जैसे इनका ओनर जैसा कराता होगा? हाँ, वही सेम फूड रहता है जो ओनर, जैसे नॉनवेज है तो नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज के हिसाब से, अगर ओनर वेजिटेरियन है तो उस हिसाब से उसको डाइट माने मेंटेन किया जाता है। तो सर ऐसे ये सब ब्रीड तो ट्रेन कराते ही हैं, सर के पास एग्जॉटिक ब्रीड जैसे पाकिस्तानी बुली हो गया, जैसे कि आप देख रहे होगे हस्की भी आया हुआ है ट्रेनिंग पर्पस से, ऑर्डाइज है ना सर ये? तो सर ये लैब भी ट्रेनिंग पर्पस से आया हुआ है? ट्रेनिंग पर्पस से आया हुआ है ये भी, इसका भी अभी 7 डेज हो रहे हैं। और ये जर्मन शेफर्ड है, इसका भी 15 डेज हुआ है अभी। और ये अंदर में कौन सा ब्रीड है सर? इंडियन ब्रीड है वो, इसे बोर्डिंग के लिए आया, बोर्डिंग के लिए आया हूँ, बोर्डिंग के लिए आया हूँ। ये लैब तो बहुत अच्छे क्वालिटी का लग रहा सर, आप इसका मीटिंग कराते हो? हाँ मीटिंग कराते हैं। इसका लीटर कितना है सर? इसका माने 6 से 7 पपीज होते हैं, ये अपने ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है, ब्रीडिंग पर्पस के लिए पपीज होते हैं तो सेल आउट किया जाता है। ये सब सर ये ब्रीडिंग पर्पस से रखे हैं? ब्रीडिंग पर्पस। बहुत सही क्वालिटी के लैब्स लग रहे हैं सर ये सब। इसमें कितने फीमेल कितने मेल है सर? पूरे मेल फीमेल। ये पूरे डॉग्स ब्रीडिंग पर्पस के लिए है, तो आप में से किसी को अगर ब्रीडिंग कराना रहेगा तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। रॉटवीलर का पप है ना? रॉटवीलर पपी है ये भी, 1 मंथ ट्रेनिंग है इसका भी। मैक्स हेल 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 गुड सेट
सेट सेट डाउन मैक्स डाउन मैक्स ले डाउन मैक्स डाउन मैक्स सेट स्टे कमांड में कंट्रोल देख रहे हो उसका तो सर पपीज भी प्रोवाइड कराते तो सर से पपीज के बारे में पूछते तो सर कौन कौन से ब्रीड का पपीज कितने कितने रेंज में आता है ऑल टाइप्स ऑफ ब्रीड है आप जैसे जिस रेंज में लैब्राडोर माने 10 से 15 के रेंज में भी है 15 से 20 के रेंज में भी है एज पर क्वालिटी यानी जैसे क्वालिटी आप जिस तरीके का एक्सेप्ट करोगे जैसे क्वालिटी चाहिए आपको उस तरीके का हम लोग पहले पूरा मार्केट में सर्वे करके उस हिसाब से आपको वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जर्मन शेफर्ड का कितना है सर जर्मन शेफर्ड भी यही माने 12 से स्टार्ट होता है मेल उसके बाद 16-17 ऐसे तक का कॉस्ट जाता है अच्छा उसको लॉन्ग कोट में है तो वो 20-22 तक जाता है प्राइस सर के पास लगभग हर क्वालिटी का पपीज अवेलेबल है तो आप सर से इंक्वायरी कर सकते हो खुद कॉल करके मैं सर का नंबर डिटेल जो कुछ भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और स्क्रीन में मेंशन करा रहा रहूँगा तो अभी हम लोग आए तो मेन सर के पास ट्रेनिंग के जानकारी के पर्पस से आए थे तो सर आप ट्रेनिंग का चार्जेस बताएंगे ट्रेनिंग का चार्जेस एज पर मैंने डॉग के ऊपर है डॉग का एज लिमिट कितना है जैसे पपीज है तो हैंडल होते हैं जैसे 1 साल से ज़्यादा है डॉग का एज तो वो उस हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं तो जैसे डॉग 1 ईयर का है तो डॉग को हैंडल करने में भी उतना ही मेहनत लगता है और उसको कर्व करने में उसको हर एक स्टेप सिखाने में उतना ही मेहनत लगता है वो अपनी तरफ से एनर्जी लगाता है वो अपना ताकत लगाएगा मेरे को अपनी ताकत लगानी पड़ेगी उस हिसाब से मैंने उसको मैंने हैंडल करना पड़ता है जैसे पपीज़ होते हैं तो वो नॉर्मली मैंने हर चीज़ हर मूवमेंट को नॉर्मली अपन उसके साथ ये कर सकते हैं वो ज़्यादा मैंने एग्रेसिव अपना वो ताकत नहीं दिखाते प्राइस कितना है सर वैसे प्राइस मैंने एज पर डॉग के ऊपर है जैसे रॉटवेलर है तो 12,000 पर मंथ का है 3 महीने का कोर्स है उसमें ओनर का 15 डेज ट्रेनिंग है डॉग का डाइट है अभी डॉग जैसे नॉर्मली डाइट का अलग चार्जेस लगता है सर डाइट का नहीं उसी में इंक्लूड है 12,000 में इंक्लूड है डाइट जैसे नॉर्मली घर में आप लोग रखते हो नॉर्मली उसको वॉकिंग कराते हो तो डाइट इतना नहीं रहता यहाँ पे क्या प्रॉपर रनिंग करा के ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसका डाइट भी बढ़ता है उसको उस हिसाब से वो डाइट भी मेंटेन करना पड़ता है ओनर कई बार कंप्लेंट करते हैं कि मेरा डॉग कमज़ोर हो गया तो उस हिसाब से उसको मल्टीविटामिंस डाइट वगैरह वो सब देना पड़ता है बोर्डिंग लॉजिंग का चार्जेस कितना है बोर्डिंग लॉजिंग का वो भी डॉग के ऊपर ही है जैसे पपीज है तो 400 है जैसे पर डे का और एडल्ट है तो जैसे रॉटवेलर है वगैरह है तो उसका 500 है वैसे टाइप के डॉग्स के अलग अलग माने ये रेंज है अदर स्टेट से अगर सर डॉग भेजना चाहता है तो आप एक्सेप्ट वो भी है वो भी हाँ अदर स्टेट जैसे आपका आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है तो आप मूवमेंट कराना चाहते हो डॉग को तो आपको एक प्रॉपर एक बंदा दिया जाएगा वो आपको डॉग को सही सलामत आपके जहाँ एड्रेस है जहाँ आप शिफ्ट हुए हो वहाँ पर छोड़ के आएगा सर ये क्या ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन कमांड्स हैं जैसे डॉग्स के एक डॉग को किस तरीके से माने एडमिनिस्ट्रेशन में कवर करना है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल उसके ऊपर रखना है हर कमांड्स के थ्रू हर एक चीज़ आपको यूजेबल है इसमें जैसे सीट का कमांड है कोई अगर दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हो डिस्कस कर रहे हो डॉग अननेसेसरी उसके ऊपर पंजे मारता है तो उस समय आप एक कमांड में स्टे कर सकते हो उसको फिर डाउन ले डाउन डाउन वगैरह जैसे कई ये सब एक डिसिप्लिन में आता है जैसे घर में अपन बच्चे को बेटा ये मत कर बेटा वो मत कर ये सब उसी डिसिप्लिन के दौरान एक माने एक अच्छा इंसान बनता है जैसे अपन बच्चे को रेडी करते हैं तो उसको हर चीज़ से ये मत करो वो मत करो करके टोकते रहते हैं तो उसी तरह डॉग्स को ये एक डिसिप्लिन कमांड्स है यानी एक आपके डॉग को पूरा अंडर कंट्रोल में रखते हैं ये सब जैसे डाउन ले डाउन सैल्यूट स्टे मूव आउट बार्क स्टैंड तो ये सब मूवमेंट आप करोगे तो आपको एकदम माने एक नहीं आप 10 डॉग कंट्रोल कर लोगे उस हिसाब से ट्रेनिंग माने दिया जाता है एक ओनर अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ले लिया तो आराम से विजुअली एक और डॉग को रख सकता है आपको डॉग्स के बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए कुछ भी अगर आपको डॉग्स परचेस करना रहे डॉग्स को ट्रेनिंग देना रहे बोर्डिंग लॉजिंग कुछ भी रहे तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बाय